हेलो गाइज, दिस इज किशोर। वेलकम टू एडवांस नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पेप्टिक अल्सर के बारे में, जो कि एक जीआई सिस्टम का डिजॉर्डर है। ओके, एमएसएन में हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जीआई सिस्टम, जिसमें से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसीलिए प्रायोरिटी बेसिस में जीआई सिस्टम को पहले हम स्टार्ट किए हैं। तो पेप्टिक अल्सर का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम देखे थे पेप्टिक अल्सर क्या है, उसका एटियोलॉजी क्या है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, ठीक है, और उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। ये सारा चीज़ हम फर्स्ट पार्ट में देखे थे, जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था उसमें हम ये सब डिस्कशन किए थे। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस को मिस किए हैं, वो जाके क्लासेस को अटेंड कीजिए। ओके, और कंटिन्यूसली हमारे यहाँ से जो भी क्लासेस अपलोड हो रहे हैं, उसको आप ठीक से देखिए और सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए घर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पेप्टिक अल्सर पार्ट टू। इसमें हम देखेंगे कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है पेप्टिक अल्सर में, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, एंड पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, ये हम पार्ट टू में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है पेप्टिक अल्सर में। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे हम टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। तो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में क्या होता है, पेशेंट का जो स्टोमक है, वो स्टोमक को सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में क्या होता है, पेशेंट का जो स्टोमक है, स्टोमक को सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान रिमूव कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा रह जाता है, रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है, उसको क्या करते हैं, ड्यूडेनम के साथ या तो जेजुनम के साथ जोड़ दिया जाता है। ओके, एनास्टोमोस्ट कर दिया जाता है उसको, क्या करते हैं, टोटल स्टोमक को रिमूव कर दिया जाता है, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है, जैसे कि हमारा एसोफागस, ठीक है, एसोफागस के बाद स्टोमक का शुरू हो जाता है, देन उसके बाद ये जो हमारा कार्डिया, फंडस, हमारा बॉडी एंड एंट्रम, देन पाइलोरस, ये सारा पार्ट, इसको बोला जाता है स्टोमक। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जिसमें कि उसके बाद वन बाय वन हमारा डियोडिनम, जेजुनम, ये सब आ जाते हैं। तो जो स्टोमक है, टोटल स्टोमक को रिमूव कर दिया जाता है, और जो हमारा एसोफागस है, उसको किसके साथ जोड़ दिया जाता है, या तो जेजुनम के साथ जोड़ दिया जाता है, या तो डियोडिनम के साथ जोड़ दिया जाता है। ओके, तो अगर एसोफागस को जेजुनम के साथ जोड़ दिया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसोफागोजेजुनोस्टोमी, वो प्रोसीजर को क्या बोला जाएगा, एसोफागोजेजुनोस्टोमी। एंड अगर डियोडिनम के साथ जोड़ दिया गया, तो क्या बोला जाएगा उसको, एसोफागोडियोडिनोस्टोमी, क्या बोला जाएगा, एसोफागोडियोडिनोस्टोमी। ओके, समझ में आ गया टोटल गैस्ट्रेक्टोमी क्या है, इसमें क्या करते हैं, टोटल स्टोमक को रिमूव कर दिया जाता है, एंड उसके बाद क्या बच जाता है, सिर्फ एसोफागस बच जाता है स्टोमक का ऊपर पर्सन जो है। ओके, तो वो एसोफागस को किसके साथ जोड़ दिया जाता है, या तो जेजुनम के साथ, या तो डियोडिनम के साथ। जेजुनम के साथ जोड़ा जाएगा तो प्रोसीजर हो जाएगा वो एसोफागोजेजुनोस्टोमी, एंड डियोडिनम के साथ जोड़ दिया जाएगा तो प्रोसीजर कहलाएगा एसोफागोडियोडिनोस्टोमी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये सब। ओके, तो ये हो गया क्या, ये हो गया एसोफागस, ये हो गया जेजुनम, ये इसमें एनास्टोमोस्ट कर दिया गया है, एसोफागस को जेजुनम के साथ एनास्टोमोस्ट कर दिया गया है, तो ये क्या बन गया, ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, एसोफागोजेजुनोस्टोमी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वैगोटोमी। ओके, तो वैगोटोमी क्यों परफॉर्म करेंगे, मैं आपको बताया था वैगोटोमी में क्या होता है, जब पेशेंट फुल्ली स्ट्रेस कंडीशन में होता है, या मतलब प्रोलंग्ड स्मोकर है, बहुत लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहा है, तो क्या होता है, वो भागस नर्व की सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। ओके, स्मोकिंग या तो सीवियर स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, भागस नर्व का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। जब भागस नर्व का स्टिमुलेशन होगा, तब एचसीएल का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, वैगोटोमी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा भागस नर्व है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो भागस नर्व है, भागस नर्व को क्या करते हैं, उसको कट करके
अलग कर दिया जाता है, ठीक है, कट करके अलग कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं भागस भागोटोमी। ओके, जिसमें क्यों किया जाता है, वो HCl की सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम गैस्ट्रिक रिसेक्शन। ओके, क्या देखेंगे, गैस्ट्रिक रिसेक्शन। गैस्ट्रिक रिसेक्शन में क्या होता है, मैं आपको बताया था कि स्टोमक का जो पार्ट्स के अकॉर्डिंग उसको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक है प्रोक्सीमल डिवीजन, एक है डिस्टल डिवीजन। प्रोक्सीमल डिवीजन में हमारा क्या आता था, कार्डिया। प्रोक्सीमल डिवीजन में क्या आता था, कार्डिया, फंडस एंड बॉडी। ओके, क्या आता था, कार्डिया, फंडस एंड बॉडी। और डिस्टल डिवीजन में क्या क्या आता था, वो आता था एंट्रम, एंट्रम एंड पाइलोरिक केनल। ओके, क्या आता था, एंट्रम एंड पाइलोरिक केनल। तो गैस्ट्रिक रिसेक्शन में क्या होता है, इसका जो डिस्टल पोर्शन है जिसमें हमारा क्या आता है, पाइलोरस एंड एंट्रम। ओके, तो डिस्टल पोर्शन को क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। ओके, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन में क्या, गैस्ट्रिक रिसेक्शन में क्या करते हैं, उसमें स्टोमक का जो डिस्टल पोर्शन है, डिस्टल पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, और जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रेक्टोमी भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको ये कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन क्या है। गैस्ट्रिक रिसेक्शन है कि स्टोमक का जो डिस्टल पार्ट है, लोअर पार्ट, ओके, स्टोमक का जो लोअर पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ओके, उसको और क्या बोलते हैं, एंट्रेक्टोमी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एंट्रोम रहता है, दैट्स व्हाई। ओके, देन देखेंगे हम गैस्ट्रोड्यूओडेनोस्टोमी, ठीक है, गैस्ट्रोड्यूओडेनोस्टोमी। ये क्या है, ये पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी है। ओके, इससे पहले प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, जिसमें क्या होता था, टोटल स्टोमक को रिमूव कर दिया जाता था, बट ये क्या है, ये है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी मतलब हाफ पार्ट उसका रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, स्टोमक का हाफ पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करने के बाद अगर उसको ड्यूओडेनम के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, स्टोमक का हाफ पोर्शन रिमूव करके बाकी जो आधा बच गया उसको अगर ड्यूओडेनम के साथ जोड़ दिया गया, एनास्टोमोस्ट कर दिया गया, तो वो कहलाएगा गैस्ट्रोड्यूओडेनोस्टोमी। ओके, गैस्ट्रोड्यूओडेनोस्टोमी, और उसको क्या बोलते हैं, बिलरोथ वन भी बोलते हैं। अगर स्टोमक की आधा पोर्शन को रिमूव करके उसको अगर जेजुनम के साथ जोड़ दिया गया तो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी बोला जाता है। ओके, और उसको क्या बोला जाता है, बिलरोथ टू। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि बिलरोथ वन क्या है, बिलरोथ टू क्या है, इसको आपको याद रखना है। बिलरोथ वन है स्टोमक के साथ ड्यूओडेनम, ओके, स्टोमक के साथ ड्यूओडेनम का एनास्टोमोस्ट, वो है बिलरोथ वन, उसको बोला जाता है गैस्ट्रोड्यूओडेनोस्टोमी। देन बिलरोथ टू क्या है, स्टोमक के साथ जेजुनम, स्टोमक के साथ जेजुनम को एनास्टोमोस्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। ओके, तो इसको बिलरोथ वन एंड बिलरोथ टू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइलोरोप्लास्टी। ओके, पाइलोरोप्लास्टी क्या है, इसमें आप हम देख सकते हैं यह है पाइलोरिक केनल, ये पोर्शन है पाइलोरिक केनल। ओके, उसके उससे पहले जो पार्ट आता है वो होता है एंट्रम, जिसमें गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ, फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस जूस का मिक्स होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कार्डिया, ये हो गया फंडस, ये हो गया फंडस, ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट, ये हो गया हमारा एंट्रम एंड ये हो गया पाइलोरस। ओके, तो पाइलोरस में क्या होता है कि इसका थिकनिंग के वजह से, म्यूकोजल वाल का थिकनिंग के वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हैं आप। ओके, इसका जो कैनल है वो नेरो होता चला जा रहा है, यहाँ से ये नेरो हो रहा है। तो ये नेरोइंगनेस को इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इसका एनलार्जमेंट किया जाता है पाइलोरोप्लास्टी में। ओके, पाइलोरोप्लास्टी में क्या किया जाता है कि हमारा जो पाइलोरिक कैनाल है उसकी एनलार्जमेंट किया जाता है।
क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कुछ रीजन के वजह से, ये जो वाल है पाइलोरिक वाल है इसका थिकनेस बढ़ जाता है और ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है यहाँ से। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो गैस्ट्रिक कंटेंट इसके अंदर ही रह जाएगा, इसके ऊपर और नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसके डिटेल्स पढ़ेंगे हम किसमें। पाइलोरिक स्टेनोसिस आएगा, हमारा एक डिजीज है पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसमें हम टोटल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पाइलोरोप्लास्टी में क्या किया जाता है कि जो पाइलोरिक केनाल का एनलार्जमेंट किया जाता है, ये जो पाइलोरिक केनाल है इसका एनलार्जमेंट किया जाता है, उसको बोला जाता है पाइलोरोप्लास्टी। ओके, तो ये था हमारा कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या देखे टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, हमारा पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी जिसमें आ गया क्या हमारा बिलरोथ वन बिलरोथ टू, पाइलोरोप्लास्टी हम देखें। ओके, भैगोटोमी देखें, देन हम देखेंगे इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या किया जाता है इसमें, तो फर्स्ट वन इज मॉनिटर वाइटल साइंस। ओके, फर्स्ट क्या है वाइटल साइंस, देन असेस फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, क्यों डिहाइड्रेशन होगा ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में, इसका जो फर्स्ट पार्ट है पेप्टिक अल्सर का, फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन किए थे कि रिपीटेडली, ठीक है, रिपीटेडली क्या हो सकता है वोमिटिंग हो सकता है, तो अगर बार बार वोमिटिंग होगा तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहेगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहेगा तो डिहाइड्रेशन के चांसेस देख सकते हैं। ओके, और कुछ मेडिसिंस भी ऐसे हैं हमने देखा था जो कि डायरिया कॉज करते हैं, लेकिन पेप्टिक अल्सर में हम उसको इंटेक करते ही वो डायरिया साइड इफेक्ट देते हैं, तो डायरिया वोमिटिंग की वजह से क्या हो सकता है डिहाइड्रेशन की साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है, तो उसको असेस करना है। देन अगर डिहाइड्रेशन होगा तो हमें क्या करना है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। ओके, देन देखेंगे हम इनटेक आउटपुट, ठीक है, पेशेंट का इनटेक क्या है आउटपुट क्या है वो मॉनिटर करेंगे। देन आ गया हमारा मेंटेन एनपीओ, ओके, नथिंग पर ओरली, अगर जब तक हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ठीक नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए, गैस्ट्रिक मोटिलिटी नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए तब तक हम उसको एनपीओ रखेंगे, दैट मींस नथिंग पर ओरली, उसको कुछ खाने के लिए प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स देना है वो आईवी लाइन के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे, किसके थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे आईवी लाइन के थ्रू। ओके, और कम से कम कितने दिन तक एनपीओ रखा जाता है, कम से कम 3 दिन तक। ओके, देन एडमिनिस्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो फिजिशियन प्रेस्क्राइब किए होंगे, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जिस तरीके से वो प्रेस्क्राइब किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोवाइड करना है। देन मॉनिटर हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल, क्यों हम हेमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट लेवल क्यों मॉनिटर करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगा अल्सरेशन के कंडीशन में क्या होगा इंटरनल ब्लीडिंग होगा। ठीक है, जो हम क्या पढ़े थे उसका साइन सिम्टम्स में पढ़े थे कि हमारा वोमिटिंग में भी आ सकता है, हेमाटोमेसिस हो सकता है। ओके, ब्लीडिंग होके वो ऑकल्ट हो सकता है, जो कि हम मेलेनिया के कंडीशन देख सकते हैं, तो ऐसे ही ब्लीडिंग होता रहा तो क्या होगा हीमोग्लोबिन की डिक्रीज हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाएगा, हेमाटोक्रिट की लेवल कम हो जाएगा, तो उसको हम मॉनिटर करेंगे। ओके, देन मॉनिटर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करेंगे तो उसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएगा। ठीक है, उसको हम मॉनिटर करेंगे और फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। देन टीच द क्लाइंट टू अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल एंड यूज ऑफ एस्पिरिन और एनएसएआईडी। ठीक है, क्या करेंगे क्लाइंट को हम हेल्थ एजुकेशन देंगे कि स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, ओके, और एस्पिरिन और एनएसएआईडी जैसा मेडिसिन को अवॉइड करना है। ठीक है, जो भी मेडिसिन आपको खाना है वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खाना है। ओके, विदाउट कंसल्टेशन आप ऐसे मेडिसिन नहीं खाना है, ऐसे हम हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को। ओके, देन एडवाइस टू टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, पेशेंट को और क्या बोलेंगे कि वो सफिशियंट रेस्ट ले, ठीक है, एडिक्वेट रेस्ट ले और स्ट्रेस ना ले, क्यों, क्योंकि हम पढ़े थे उसके कॉजेस में कि सीवियर स्ट्रेस क्या हो सकता है
उसका भागज नर्व को स्टिमुलेट कर सकता है। और क्या हो सकता है, बॉडी बहुत एसिडिक हो जाता है, बॉडी का जो पीएच है वो बहुत एसिडिक हो जाता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो पेशेंट को स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, देन क्या होता है, फाउलर्स पोजीशन टू प्रोमोट पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज। कोई अगर सर्जरी परफॉर्म किया गया है पेशेंट के साथ, तो पोस्ट सर्जरी हम उसको कौन सी पोजीशन में प्लेस करेंगे, फाउलर पोजीशन में। ओके, क्योंकि उसका जो भी कुछ ड्रेनेज को आएगा, ड्रेनेज आएगा, उसको प्रोमोट करने के लिए हम उसको फाउलर पोजीशन में रखेंगे। देन मॉनिटर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, सर्जरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं पेशेंट में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, उसको हम असेस करेंगे। जैसे कि हेमोरेज डायरिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी एंड डंपिंग सिंड्रोम जैसे कंडीशन अगर देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फट जाके एज सुन एज पॉसिबल फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। तो इसमें हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि जो सर्जरी परफॉर्म किया जाता है पेप्टिक अल्सर में, अगर कोई सर्जरी परफॉर्म किया जाता है तो ये सब कंडीशन देखने को मिल सकता है, पोस्ट सर्जिकल कंडीशन, ठीक है, सर्जरी के बाद ये सब सिचुएशन, ये सब कंडीशन देखने को मिल सकता है, हेमोरेज, डायरिया, हाइपोग्लाइसेमिया, विटामिन B12 की डिफिशियंसी और डंपिंग सिंड्रोम जैसे कंडीशन अपीयर हो सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी होगा वो क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया को लीड करेगा। ओके, विटामिन B12 की डिफिशियंसी क्या करेगा, पर्निशियस एनीमिया को लीड करेगा। इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर्जरी हो जाएगा या तो अल्सरेशन हो जाएगा, इसमें पर्निशियस एनीमिया को क्यों लीड करेगा विटामिन B12 की डिफिशियंसी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी क्यों होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जब हमारा पेप्टिक अल्सर होगा, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में हम क्या देखें कि म्यूकोजल लाइनिंग का ब्रेकडाउन, ओके, म्यूकोजल वॉल का ब्रेकडाउन होना, उसमें पेनिट्रेशन होना, उसमें अल्सरेशन होना, ठीक है, वो होता है पेप्टिक अल्सर, चाहे वो ड्यूडिनम में हो सकता है या स्टोमक में हो सकता है। तो अगर स्टोमक में हुआ तो इसका जो एनाटॉमिकल रिव्यू, जीआई सिस्टम का एनाटॉमिकल रिव्यू हम देख रहे थे, तब मैं आपको डिस्क्राइब किया था उसमें कि हमारा जो स्टोमक का फोंडस पार्ट होता है, फोंडस पार्ट में क्या रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ओके, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है, आपका पैराइटल सेल, ठीक है। पैराइटल सेल क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करता है जो कि विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर कोई सर्जरी के कारण या तो सीवियर अल्सरेशन के कारण, ठीक है, म्यूकोजल वॉल डिस्ट्रक्शन होता है, तो क्या होगा, हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड अफेक्टेड होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं पैराइटल सेल वो भी अफेक्टेड होंगे। जब पैराइटल सेल अफेक्टेड होंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, डिफिशियंसी होगी, और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टेड होगा, सिक्रेट नहीं हो पाएगा, तो विटामिन B12 की भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और क्या कंडीशन देखने को मिलता है, एडिशन एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलता है, जिसको पर्निशियस एनीमिया भी बोलते हैं। ओके, समझ में आएगा कि हमारा विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने, सॉरी विटामिन B12 की जो हमारा एब्जॉर्प्शन होने में कौन रोल प्ले करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है, पैराइटल सेल से, ठीक है। तो हमारा सर्जरी या तो अल्सरेशन के कारण वो पैराइटल सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है, वो नॉर्मल फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे पैराइटल सेल, ओके, उनकी एब्सेंस ही होगा, क्योंकि रिमूव कर दिया जाएगा, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी जैसे कंडीशन में क्या किया जाएगा, टोटल स्टोमक को रिमूव कर दिया जाएगा, तो पैराइटल सेल कहाँ से सीक्रेट हो, पैराइटल सेल कैसे काम करेंगे। तो इसीलिए इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं सीक्रेट हो पाएगा, और इंट्रिंसिक फैक्टर के डिफिशियंसी में क्या होगा, विटामिन B12 की सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो जब सिंथेसिस नहीं हो पाएगा विटामिन B12, तब क्या करेगा, उस कंडीशन क्या कहलाएगा, पर्निशियस एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें पर्निशियस एनीमिया में आप जाके हमारा जो पेडियाट्रिक क्लासेस हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने पर्निशियस एनीमिया के बारे में डिस्क्राइब किया है।
तो पर्निशियस एनीमिया में कुछ जनरल साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, जैसे पैलर हो जाना, फटीग हो जाना, वीकनेस होना, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो है, जो एग्जाम में आते रहते हैं, वो है रेड बीफी टॉन्ग, ठीक है। तो पर्निशियस एनीमिया में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? रेड बीफी टॉन्ग, ये देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम डॉम्पिंग सिंड्रोम, हम देखे थे ओके कि डॉम्पिंग सिंड्रोम क्या है। उसमें हम देखे प्रीवियस स्लाइड में कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगा और जिसके लिए क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया होगा। उसके बाद देखे हम डॉम्पिंग सिंड्रोम। तो ये डॉम्पिंग सिंड्रोम क्या है? हमारा जो गैस्ट्रिक रिसेक्शन होगा, हमने पढ़ा सर्जिकल मैनेजमेंट में कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन भी करेंगे हम, ठीक है, सर्जरी परफॉर्म करेंगे, उसमें क्या होगा, जो स्टोमक का डिस्टल पोर्शन है, डिस्टल पोर्शन में क्या क्या आता है हमारा, एंट्रम, एक मिनट, एंट्रम और हमारा पाइलोरस, ठीक है, एंट्रम एंड पाइलोरस। तो डिस्टल पोर्शन को रिमूव कर दिया जाएगा, दैट मीन्स एंट्रम और पाइलोरस को भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो वो रिमूव करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, हम जो फूड इंटेक करेंगे या कुछ भी खाएंगे, वो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी रिमूव हो जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो गैस्ट्रिक जो हमारा स्टोमक है वो रैपिड एम्प्टी होगा, उसका स्टोमक का क्या होगा, रैपिडली एम्प्टी होगा। वो किस में मूव करेगा गैस्ट्रिक कंटेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एनाटॉमिकल रिव्यू में हम पढ़े थे ये जो पाइलोरस है, पाइलोरिक कैनाल, इसका फंक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन है कि हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट का जो एम्प्टीनेस, ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट का एम्प्टीनेस वो कंट्रोल करता है, कौन, पाइलोरस। गैस्ट्रिक कंटेंट रैपिडली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव ना करे, उसको कौन कंट्रोल करता है, पाइलोरस। तो हमारा जो गैस्ट्रिक रिसेक्शन में पाइलोरस को रिमूव कर दिया जाएगा, डिस्टल पोर्शन को, तो वो कंट्रोल और नहीं हो पाएगा। पाइलोरस जो कंट्रोल करता है, जो फंक्शन है, वो फंक्शन उसका इम्पेयर होगा। ओके, तो गैस्ट्रिक कंटेंट है हमारा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रैपिडली मूव करेगा, उसको क्या बोलते हैं, डंपिंग सिंड्रोम बोला जाता है, डंप हो जाना। अब ये समझ सकते हैं एक आइडिया लगा के कि डंप हो जाना, हम एक चीज़ इसमें इंटेक करेंगे, स्टोमक में जाएगा और वो रैपिडली क्या हो जाएगा, डंप हो जाएगा, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो इसका जो साइन एंड सिम्टम्स है वो 30 मिनट्स आफ्टर फूड इंटेक देखने को मिल सकता है। ओके, जब हम फूड इंटेक करेंगे उसके 30 मिनट बाद हम उसका साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हैं। क्या क्या देखता है, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, देन एब्डोमिनल फुलनेस एंड क्रैम्प्स देखने को मिल सकता है, डायरिया देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया एंड डिजीनेस एंड वीकनेस। ओके, ये सब देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ और एक देखने को मिल सकता है, वो क्या है, बारबोरिग्मी। क्या है, बारबोरिग्मी। बारबोरिग्मी क्या है, लाउड रीगर्गलिंग साउंड ड्यू टू हाइपर मोटिलिटी ऑफ बाउल। ओके, तो हमारा जो स्टोमक में हम इंटेक करते हैं गैस्ट्रिक जो भी खाना या लिक्विड जो भी हम इंटेक करते हैं, ओके, वो क्या होगा, रैपिडली मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या हुआ, हाइपर मोटिलिटी हुआ, ठीक है, क्या हुआ, हाइपर मोटिलिटी। तो ये हाइपर मोटिलिटी के वजह से क्या होता है, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाउड रीगर्गलिंग साउंड देखने को मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बारबोरिग्मी बोला जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है पेप्टिक अल्सर यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है ये, जो कि हम दो पार्ट्स में इसको डिस्कशन किए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम इसका डेफिनेशन से लेके मेडिकल मैनेजमेंट तक डिस्कशन किए थे, इसमें हम इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकता है वो हम यहाँ पे डिस्कशन किए। तो आपको सारा वीडियो देखना है और प्रिपरेशन करना है ठीक से। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन एज यूजुअल, जो कि हम हर टॉपिक के एंड में कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपको आगे चल के एक साथ एक बोर्डन बन के आपके ऊपर ना आ जाए, तो इसीलिए
डेली चार पांच क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आप अगर प्रिपरेशन कर लो तो आगे चल के आपको ये इजी हो जाएगा और अच्छे से याद भी रहेगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन से पेप्टिक अल्सर रिलेटेड जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कार्डिनल साइन ऑफ ड्यूओडेनल अल्सर। ड्यूओडेनल अल्सर का कार्डिनल साइन क्या है? उसका पेन। ओके, जो ड्यूओडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसकी पेन के वजह से। जबकि हम गैस्ट्रिक अल्सर में कैसे पेन देखेंगे? शार्प लाइक पेन। ओके, और ड्यूओडेनल अल्सर में बर्निंग लाइक पेन। तो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हाट इज द सिलेक्टिव एच टू रिसेप्टर फॉर पेप्टिक अल्सर इन ए क्लाइंट विथ पोस्ट गैस्ट्रिक अल्सर एंड लिवर डिजीज। ठीक है, हम देख रहे थे उसका मेडिकल मैनेजमेंट में एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा दिया गया है लिवर डिजीज वाले पेशेंट को? अगर पेशेंट को लिवर का डिजीज है, ओके, और उसको गैस्ट्रिक अल्सर भी हुआ है, तो सिलेक्टिव एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम कौन सा देंगे? ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच एंटासिड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अपेंडिसाइटिस। ठीक है, हमें पेप्टिक अल्सर की पेशेंट को एंटासिड तो प्रोवाइड करना है, मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखे थे, बट वो एंटासिड में से कौन सा है जो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? इन व्हिच पोजिशन ए नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी। एक पेशेंट को गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी परफॉर्म किया गया है पेशेंट में, ठीक है, तो वो सर्जरी के बाद नर्स उसको कौन सी पोजिशन में प्लेस करेगा? ओके, द फिफ्थ वन एंड लास्ट वन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बिलरोथ वन बिलरोथ टू। हम जो देखे थे बिलरोथ वन एंड बिलरोथ टू, उसको और क्या बोला जाता है? ओके, तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो कि पेप्टिक अल्सर से हैं और रिपीटेडली एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपको प्रिपरेशन करना है, उसके साथ साथ ऐसे ही हमारे साथ बने रहना है, और जो भी वीडियो हमारे यहाँ से अपलोड किया जा रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। हम जो भी उसका रिमेनिंग पोर्शन है, डिजीज पोर्शन और सब्जेक्ट, हम उसको जल्दी ही ट्राई कर रहे हैं कवर करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।